हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे 5 मिनट वाली ये लहसुन की चटनी। इजी, क्विक और बहुत ही टेस्टी चटनी है। वैसे तो सभी चटनी टेस्टी लगती है, लेकिन ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर बनाना, आप देखकर ही समझ गए होंगे ये कितनी टेस्टी है। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बंच लहसुन लिया है, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच जितना कश्मीरी चिली पाउडर लिया है। अब हम इसे खलबत्ते में कूट लेंगे। सबसे पहले हम लहसुन और नमक डालेंगे। नमक से हमें लहसुन कूटने में आसानी होगी, ये जल्दी से कूट जाएगी। आप इसे मिक्सी वगैरह में मत पीसना, इसी तरह से इसे खलबत्ते में कूटकर बनाना। बहुत ही टेस्टी बनती है। जब आपके घर पे कुछ ना हो तो आप इस चटनी को आसानी से 5 मिनट में बना सकते हो, और सच में ये बहुत टेस्टी चटनी है। आप इसे गेस्ट के लिए, टिफ़िन के लिए कभी भी बनाकर खा सकते हो। हमारी लहसुन बारीक हो चुकी है, अब हम उसमें तीखी लाल मिर्ची का पाउडर और कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे और उसे भी कूट लेंगे। हमें इसे ज़्यादा कूटना नहीं है, बस हमें इसे इतना कूटना है कि मसाले अच्छे से लहसुन में मिक्स हो जाए। तो अब हमारी लहसुन और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये कितना दरदरा सा है, हमें इसी तरह से इसे रखना है। अब इस चटनी को मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। आप इस चटनी को इस तरीके से बना के 10 से 15 दिन के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब मैं इसमें 3 चम्मच जितना तेल डाल रही हूँ। ये मैं जो अपना रेगुलर कुकिंग का ऑयल है वो डाल रही हूँ। आप तेल को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन तेल को कभी कम मत करना, ज़्यादा ही डालना, इससे हमारी चटनी का टेस्ट अच्छा आएगा। आप चटनी को अच्छे से मिक्स करना तेल में। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो, लेकिन मैं इस चटनी को थोड़ा सा पैन में गरम करूँगी, जिसके 2-3 फायदे हैं। एक तो हमारी चटनी में जो कच्चापन है लहसुन का और मसालों का, वो निकल जाएगा, और दूसरा ये कि तेल में भुनने से उसकी लास्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगी। इसे हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, 1 से 2 मिनट के लिए ही भुनना है। अब हमारी चटनी भुनकर रेडी है। आप देख सकते हो उसका कलर कितना अच्छा आया है, और इस चटनी को दही के साथ भी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।